दोस्तों साउथ अफ्रीका की जीत के बाद वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में मचा तहलका। वहीं दोस्तों भारत को लगा तगड़ा झटका, साउथ अफ्रीका ने खराब किया मजा पॉइंट टेबल में, भारत नीचे किसका। वहीं दोस्तों न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीम को लगा तगड़ा झटका। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान को हुआ बड़ा फायदा। तो दोस्तों हम बताएंगे इस वीडियो में वर्ल्ड कप के पॉइंट टेबल के बारे में, कौन सी टीम किस मैदान पर बनी है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीते तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें क्रिकेट की ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कल वर्ल्ड कप का 32वां मुकाबला साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 4 विकेट पर 357 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। साउथ अफ्रीका ने इस वर्ल्ड कप में चौथी बार 350 प्लस का स्कोर खड़ा किया, जो एक रिकॉर्ड। जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 35.3 ओवर में 167 रन बनाकर आउट हो गई। ये मुकाबला साउथ अफ्रीका ने 190 रनों से विशाल अंतर से जीत लिया और साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप में 24 साल बाद न्यूजीलैंड से जीता है। वहीं दोस्तों साउथ अफ्रीका की तरफ से क्वांटम डिकॉक ने इस वर्ल्ड कप में चौथी सेंचुरी लगाई। डिकॉक ने 116 गेंदों पर 114 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं रॉसी वंडर डोसो ने भी शतक लगाया। डोसो ने 118 गेंदों पर 133 रनों की आक्रामक पारी खेली। साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज केशव महाराज राय महाराज ने इस मैच में 4 विकेट लिए। तो चलिए दोस्तों अब नजर डाल लेते हैं वर्ल्ड कप के पॉइंट टेबल में, कौन सी टीम किस मैदान पर बनी हुई है। दोस्तों पॉइंट टेबल के 10वें नंबर पर डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की टीम आती है। दोस्तों इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम का प्रदर्शन बहुत ही खराब और घटिया था। टीम के बल्लेबाज और गेंदबाज पूरी तरह से फ्लॉप साबित रहे। वहीं दोस्तों इंग्लैंड ने अब तक इस वर्ल्ड कप में 6 मुकाबले खेले, 1 में जीते और 5 मुकाबलों में करारी हार मिली और पॉइंट टेबल में उसके 2 अंक हैं। अब दोस्तों इंग्लैंड को यहां से 3 मैच खेलने और इंग्लैंड पूरी तरह से सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। वहीं दोस्तों पॉइंट टेबल के 9वें नंबर पर बांग्लादेश की टीम आती। दोस्तों बांग्लादेश की टीम ने इस वर्ल्ड कप में बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है, जिस वजह से बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो चुकी है। बांग्लादेश ने अब तक इस वर्ल्ड कप में 7 मुकाबले खेले, जिसमें सिर्फ 1 मुकाबले में जीत मिली है। वहीं 6 मुकाबलों में शर्मनाक हार झेलनी पड़ी और उसके पॉइंट टेबल में मात्र 2 अंक है। अब बांग्लादेश को 2 मैच खेलने, यहां से बांग्लादेश की टीम इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की रेस से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। दोस्तों पॉइंट टेबल के 8वें नंबर पर नीदरलैंड की टीम आती। नीदरलैंड ने अब तक इस वर्ल्ड कप में 6 मुकाबले खेले, 2 मुकाबलों में जीत मिली और 4 मुकाबले उसको हारने पड़े और उसके पॉइंट टेबल में 4 अंक। अब नीदरलैंड के 3 मुकाबले बचे, यहां से नीदरलैंड की टीम सेमीफाइनल से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। वहीं दोस्तों पॉइंट टेबल के 7वें नंबर पर श्रीलंका की टीम आती है। श्रीलंका ने इस वर्ल्ड कप में 6 मुकाबले खेले, 2 में जीते, 4 में हारे और उसके पॉइंट टेबल में 4 अंक हैं। अब श्रीलंका को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने बचे 3 मुकाबलों में बड़ी जीत दर्ज करनी होगी और दूसरी टीमों पर निर्भर होना पड़ेगा, जब वो सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। दोस्तों पॉइंट टेबल के 6वें नंबर पर अफगानिस्तान की टीम आती है। अफगानिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में 6 मुकाबले खेले, जिसमें 3 में जीते, 3 में हारे और उसके पॉइंट टेबल में 6 अंक हैं। वहीं दोस्तों अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने 3 मुकाबलों में जीत दर्ज करनी होगी, जिससे वो सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। वहीं दोस्तों पॉइंट टेबल के 5वें नंबर पर पाकिस्तान की टीम पहुंच गई। पाकिस्तान ने अब तक इस वर्ल्ड कप में 7 मुकाबले खेले, 3 में जीते, 4 में हारे और उसको पॉइंट टेबल में 6 अंक हैं। अब पाकिस्तान के मात्र 2 मुकाबले बचे हैं। अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचना, अपने दोनों मुकाबलों में बड़ी जीत दर्ज करनी होगी और ऊपर की टीमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीम को हारना होगा, तभी वो सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। दोस्तों पॉइंट टेबल के 4थे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम पहुंच गई। न्यूजीलैंड की इस वर्ल्ड कप में ये लगातार तीसरी हार है। न्यूजीलैंड ने अब तक इस वर्ल्ड कप में 7 मुकाबले खेले, 4 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की, वहीं 3 मुकाबलों में हारे हैं। वहीं दोस्तों न्यूजीलैंड के पॉइंट टेबल में 8 अंक है। अब न्यूजीलैंड को 2 मैच बचे हैं और अगर सेमीफाइनल में पहुंचना है तो उसको दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज करनी होगी, तभी वो सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी, नहीं तो वो बाहर हो जाएगी। वहीं दोस्तों पॉइंट टेबल के 3रे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहुंच गई है। साउथ अफ्रीका की जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया को बड़ा फायदा हुआ है, वो 4थे स्थान से 3रे नंबर पर आ गई है। दोस्तों आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया ने अब तक इस वर्ल्ड कप में 6 मुकाबले खेले, 4 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की, वहीं 2 मुकाबलों में हार का मुंह देखना पड़ा है और उसके पॉइंट टेबल में 8 अंक हैं। अब यहां से ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में पहुंचना है तो अपने 3 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबलों में जीत दर्ज करनी होगी, तभी वो सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। दोस्तों पॉइंट टेबल के 2रे नंबर पर भारत की टीम आ गई। साउथ अफ्रीका की जीत के बाद भारत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, वो पहले स्थान से
दूसरे नंबर पर आ गई है। दोस्तों आपको बताते हैं, भारत ने अब तक इस वर्ल्ड कप में 6 मुकाबले खेले और 6 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की और भारत को अब तक कोई भी टीम हरा नहीं पाई और इस वर्ल्ड कप में अजेय है। अब भारत के 3 मुकाबले बचे, एक में जीत दर्ज कर लेगी तो वो सेमीफाइनल में आसानी से पहुंच जाएगी। वहीं दोस्तों पॉइंट टेबल के टॉप पर साउथ अफ्रीका की टीम पहुंच गई है, वो पहले नंबर 2 भी थी मगर आज की जीत के बाद वो पॉइंट टेबल के नंबर 1 पर आ गई है। दोस्तों आपको बता दें, साउथ अफ्रीका की टीम इस वर्ल्ड कप में बहुत ही खतरनाक अंदाज से खेल रही है, उसका हर एक खिलाड़ी खतरनाक प्रदर्शन कर रहा है। वहीं दोस्तों साउथ अफ्रीका ने अब तक इस वर्ल्ड कप में 7 मुकाबले खेले, 6 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की, वहीं एक मुकाबले में उसको हार मिली और पॉइंट टेबल में 12 अंक है। लगभग साउथ अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी, अब उसके 2 मुकाबले बचे, एक में जीत दर्ज कर लेगी तो वो अपना स्थान पक्का कर लेगी सेमीफाइनल में। तो दोस्तों ये है वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल का पूरा समीकरण जो मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वैसे दोस्तों यहाँ पर से देखा जाए तो 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचती हुई दिख रही है। पहली टीम है साउथ अफ्रीका की, दूसरी टीम है भारत की, तीसरी टीम है ऑस्ट्रेलिया की, वहीं चौथी टीम न्यूजीलैंड की दिख रही है। आपके हिसाब से वो कौन सी 4 टीम है जो सेमीफाइनल में पहुंच रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें और वर्ल्ड कप से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।